ओके, ये शिक्षक का ऑर्डर आया है हमें अभी। ठीक है, शिक्षक ये बैक एंट्रेंस है, ये है जी दुबई देरा सिटी सेंटर। ये देरा सिटी सेंटर में आप बैग नहीं लेके जा सकते अंदर, आईडी अपनी जमा करवाओ को देंगे ऑर्डर ऐसे ही देंगे। और ये फट गया फक। मुझे अभी अभी तलबात का लड़का मिला, वो मेल ओपन करके बैठा था, तो उनके रेट जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, उनको नए रेट उनके इस तरह हैं कि जो 5 किलोमीटर के अंदर ऑर्डर आएगा उसको उनको 7.5 पहले मिलते थे, अब मिलेंगे उनको 8 दिरम और 10 फील्स। ठीक है, 5 से 7 किलोमीटर तक जो होगा, 7 किलोमीटर से जो नीचे होगा उसके मिलेंगे उनको 8.5। ठीक है, और जो 10 किलोमीटर तक होगा उसके मिलेंगे उनको 9 दिरम और 10 फील्स। ठीक है, मतलब 9 दिरम तक रेट चला गया है माशाल्लाह। ठीक है, ये जी तलाबात वाले जितने भी हैं लड़के, फिर मुझे डिलीवर वाले ही देखते होंगे, लेकिन जो तलाबात में जाना चाहता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो रेट जो है उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, तो उनको और 10 किलोमीटर से जो ऊपर जाएगा ऑर्डर उनका पर किलोमीटर का 20 फील्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए पहले से बहुत अच्छा हो गया, पहले उनका ऑर्डर कैंसिल होता था लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अब उसके भी पैसे मिलेंगे। ये अभी अभी उनको मेल आई है, वो लड़का ओपन करके बैठा जो अभी मैंने शिक्षक का ऑर्डर उठाया ना, तो वहाँ पर बैठा था वो बता रहा था इस तरह, जो कि एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। तो खैर, मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी आज 11 बजे, पहली शिफ्ट की नहीं, दूसरी शिफ्ट में मेरा ये 5वां ऑर्डर है शायद। ठीक है, जो मैं शिक्षक से उठा के देना है हमने ममसर पे। ठीक है, तो वहाँ पे चलते हैं। ओके, कल का आपको बताऊँ, कल मेरी ड्यूटी है सिलिकॉन में फिर से। ठीक है, जो 10 बजे स्टार्ट होनी है, कल मैं सोच रहा हूँ पूरी ड्यूटी करूँ, क्योंकि इस वीक पूरी मैंने ड्यूटी की भी नहीं है। तो मेरे एक कज़न है जो उसने फर्स्ट ड्राइव में लाइसेंस लिया है, एज है उनकी तकरीबन 18.5 साल, तो कल उनका इंटरव्यू करेंगे हम, वो उनसे पूछेंगे कितनी क्लासेस होती हैं और क्या क्या मसला होता है वहाँ पे, वो सारा उनसे हम पूछेंगे। ठीक है, और जो लोग एज के बारे में पूछ रहे थे, तो एज जी 18+ है। ठीक है, उसकी अभी मेरे ख्याल से 19 साल है एज। ठीक हो गया जी, तो फिर चलते हैं हम अपने ऑर्डर। शिक्षक का ऑर्डर उठा के दिया इधर, तकरीबन 9-10 किलोमीटर था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी अबे, जिसकी वजह से ना थोड़ा लेट हो गया हमको। 8-9 किलोमीटर था, लेकिन 15-16 मिनट लग गए आते आते। ऑर्डर था मेरे पास, लेकिन पेट्रोल कम था, इसलिए मैं देरा में हूँ। देरा में मोस्टली एमरेट्स के पेट्रोल पंप हैं, तो मुझे पेट्रोल डलवाना था एप्को से या इनोक से, तो इनोक का पेट्रोल पंप एप्को का आया, तो मैंने वहाँ से पेट्रोल भी डलवा लिया। 50 दिरहम का, मतलब 50 दिरहम का सिर्फ 12 लीटर पेट्रोल आया है। ठीक है, जो इस माह के एंड तक, अभी 430 चल रहा है, लेकिन इस माह के एंड तक 493 चला जाएगा, मतलब आलमोस्ट 5 दिरहम हो जाएगा पेट्रोल। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ ये 6 दिरहम तक जाएगा, प्लस 6 दिरहम का एक लीटर पेट्रोल। पहले था 1 दिरहम और 80 फील, ठीक है, और अब हो गया है जी 4 दिरहम और 30 फील, जो इस माह के एंड तक, मतलब आज तकरीबन 17 तारीख है, 30 तारीख तक को यही जो 430 चल रहा है, ये 497 पे चला जाएगा, 97 या 93 पे चला जाएगा, मतलब आलमोस्ट 5 दिरहम पर लीटर। डैम, ओके, अभी ऑर्डर दिया है मैंने, इसके बाद 2-3 ऑर्डर शायद और होंगे, उसके बाद हमारी ड्यूटी हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। ओके, यहाँ पे ऑर्डर दिया है मैंने, ऑर्डर कम्प्लीट हो गया, वो शिक्षक से जो उठाया था। अब मुझे वापस जाना है अलगुहेर सेंटर, जो जहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। वहाँ से ऑर्डर पिक करने के बाद हमें फिर ये भेजेंगे अलकुसेस, जो 10-12 किलोमीटर बनेगा। मतलब देरा का सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट है लेकिन यहाँ पे मुझे उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। फिर मुझे वापस जाना है अलगुहेर सेंटर, जहाँ से हमने ये ऑर्डर पिक किया, नहीं ये तो हमने देरा सिटी सेंटर से किया था, अलगुहेर सेंटर साथ ही है देरा सिटी सेंटर के। वहाँ से ऑर्डर पिक करने के बाद हमें जाना है अलकुसेस। ठीक है, तो चलते हैं, पहले वहाँ चलते हैं, और मतलब ये इस घंटे में एक ही ऑर्डर होगा, वही जो लास्ट वाला अलकुसेस वाला, उसके बाद हमारी ड्यूटी हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, तो चलते हैं अभी। अभी मैं खड़ा हूँ, ये पीछे मस्जिद चेक करें आप। ओहो, मेरे कैमरे का एक्चुअली रिजल्ट ही बहुत ज़्यादा है, आपको नज़र ही नहीं आएगा। ओके, अभी मुझे ऑर्डर आया सिनाबोन का, जो उठा के, वो इसलिए चॉकलेट ही होती हैं सारी, वो रेडी होता है मोस्टली उनका ऑर्डर, अगर रश ना हो
बस उन्होंने पैक करके वही चॉकलेट उठा के हमें दे देती होती हैं पैक करके। अगर हाँ अगर बिजी हो तो फिर वो अपने पहले गायनी कस्टमर जो होते हैं उनको देते हैं, उसके बाद हमें देते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो फाइनली बिल्कुल फ्री था, खाली खड़े थे, मैंने नंबर वगैरह लिखा अपना वहाँ पे। सिनाबोन का क्या है कि सिनाबोन का, नंदूज का और फाइव गाइज का, आपको जब भी ऑर्डर आएगा तो आपने अपना सारा कुछ लिखना होता है वहाँ पे, ऑर्डर नंबर लिखना होता है, अपना फ़ोन नंबर लिखना होता है, साइन करने होते हैं, वो टाइम लिखना होता है जब आप रेस्टोरेंट पे आए हो, वो टाइम लिखना होता है। खैर वो सब कुछ लिख के ऑर्डर पिक कर लिया है, ये तकरीबन देना है करामा के नज़दीक देना है, तो शुरू करते हैं। ओके, ये अभी मैं बनियास सेंटर में ऑर्डर देने आया हूँ, ये बनियास सेंटर की बिल्डिंग है, वो ऊपर लिखा हुआ बनियास सेंटर मस्जिद, वो पेट्रोल पंप पुराने ज़माने का, तो माई बेचना मार दें। ओके, वो वेंडिस का ऑर्डर उठाना है हमने, ओके यहाँ से ऑर्डर उठाना है। वहाँ पे तकरीबन सुल्तानपुर में 1.5 घंटा बैठे रहे हैं, उसके फ्रंट से मुझे अभी ऑर्डर आ रहा है। अलवेयर का फूड सेंटर, फूड कोर्ट सॉरी। ये मेरा ना लास्ट ऑर्डर होगा, टोटल ऑर्डर 6 हो चुके हैं, मतलब मैंने पहली शिफ्ट नहीं की, दूसरी शिफ्ट से स्टार्ट किया था, दूसरी शिफ्ट थी हमारी 5 घंटों, और 5 घंटों में 6 ऑर्डर हुए हैं। ठीक है, ये ऑर्डर देने के बाद हम जाएंगे घर, और बाकी कल जो है हमारी ड्यूटी है सिलिकॉन में 10 बजे, तो कल मिलेंगे 10 बजे सिलिकॉन में, कल पूरी ड्यूटी करेंगे प्रॉपर। ठीक है, ये काफ़ी दिनों के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी है। चलें जी, मिलते हैं फिर कल, अल्लाह हाफिज़।